खुदावन आपके साथ हो। हमारे लिए खुदावन यीशु मसीह की खुशखबरी मुकद्दस लुका के मुताबिक। उसके तीसरे बाब में से सुनेंगे 10वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक। उस वक्त लोगों ने यूहन्ना से पूछा कि हम क्या करें। उसने जवाब में उनसे कहा कि जिसके पास दो कुर्ते हों वो उसको बांट दे जिसके पास ना हो, और जिसके पास खाने की चीज़ें हों वो भी ऐसा ही करे। और मौसल भी बपतिस्मा लेने के आए और उससे कहा कि ऐ उस्ताद हम क्या करें। उसने उनसे कहा जो तुम्हारे लिए मुकर्रर है उससे ज़्यादा ना लो। और सिपाहियों ने भी उससे ये कहकर पूछा कि हम क्या करें। उसने उनसे कहा कि ना किसी पर जुल्म करो, ना किसी से नाहक कुछ लो, और अपनी तनख्वाह पर फा करो। और जब लोगों को बड़ी उम्मीद होने लगी और सब अपने दिल में यूहन्ना की बाबत पूछने लगे कि शायद यही अल मसीह है, तो यूहन्ना ने जवाब में उनसे कहा कि मैं तुमको पानी से बपतिस्मा देता हूँ, मगर मुझसे एक कवितर आने वाला है जिसकी जूती का तस्मा मैं खोलने के भी लायक नहीं। वो तुम्हें रूह कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा, उसका चार्ज उसके हाथ में है, और वो अपने खलिहान को खूब साफ करेगा और गेहूं को अपने खत्ते में जमा करेगा और भूसे को उस आग में जलाएगा जो बुझती नहीं। और वो नसीहत की बहुत सी और बातें करके लोगों को खुशखबरी देता रहा। पाक अंजील के वसीले से हम सब की खताएं माफ़ की जाएं। मसीह खुदा में मेरे अजीज मोमिन, आज हम बड़ी खुशी और शादमानी के साथ आमद के तीसरे इतवार की बात में शामिल हैं। अभी हम सिस्टर जी के साथ मिलकर आमद के तीसरे इतवार की मोमबत्ती को रोशन करेंगे जो खुशी और शादमानी की अलामत है। अभी हमने बड़ी खुशी और शादमानी के साथ तालियां बजाकर इस खुशी को अपनी ज़िंदगी में कबूल करते हुए आमद की तीसरी मोमबत्ती को रोशन किया है। आमद के तीसरे इतवार की इबादत को गाउदाते के नाम से मंसूख किया जाता है, गाउदाते संडे, जो खुशी और शादमानी की अलामत है। खुशी शादमानी जो कैंडल रोशन की गई है, खुशी की अलामत इंग्लिश में जॉय, जो तीन अल्फाज का मरकब है, जे ओ वाई, जे स्टैंड फॉर जीसस, ओ स्टैंड फॉर अदर्स, वाई स्टैंड फॉर यू। आमद के तीसरे इतवार की जिस तरह हम आज इबादत में शामिल हैं, पहला इतवार जो उम्मीद की अलामत थी, यू स्टैंड फॉर हिमसेल्फ, के तुम्हारे बारे में, मेरी उम्मीद, मेरा ईमान, इनफरादी ईमान की बात की गई है। पहले इतवार की जो मोमबत्ती हमने रोशन की थी, उम्मीद की अलामत थी कि मेरी उम्मीद, मेरा ईमान मेरे नजात हिंदा पर। ओ स्टैंड फॉर अदर्स, दूसरों के लिए, जो मैं ईमान रखता हूँ वो मैं किस तरह उसको अपनी अमली ज़िंदगी में जमा पहनाता हूँ, जब मैं दूसरों के साथ मोहब्बत बांटता हूँ। दूसरे इतवार की जो मोमबत्ती हमने रोशन की गई थी वो मोहब्बत की अलामत थी। यूहन्ना इस बागी हमें मोहब्बत का पैगाम देते हुए हमें इस चीज़ से बावर करता है कि हमने मसीह की मोहब्बत को दूसरों के साथ किस तरह बांटना है। जबकि आज जो गुलाबी रंग की मोमबत्ती को रोशन किया गया है, जो खुशी की अलामत है, जीसस क्राइस्ट हमारे निजात दहिंदा की अलामत है, जो हमें खुशी बख्शता है। आमद के अयाम का आधा सफ़र हम तय कर चुके हैं, अब हमारी उम्मीद, हमारी खुशी मसीह खुदावन पर आंखें थमाए हुए है कि हमारी खुशी, हमारी उम्मीद पूरी होने को है। इसलिए आज जो खुशी की बात की जाती है, शादमानी की कैंडल को रोशन किया गया है, आज का लुतरिया कलाम भी बड़ी खूबसूरती के साथ हम सब की मदद और रहनुमाई करता है। मैं समझता हूँ आज की तीनों तलावतें आपस में एक चोली दामन रखती हैं, जो ना सिर्फ हमारे ईमान को तकवियत बल्कि हमारी ज़िंदगियों को खुशी और शादमानी से पूर्ण रौनक करने के लिए
हमारे लिए मशले राह है। पहली तलावत जो आज की पहली तलावत हमने सुनी सफ़निया नबिया की किताब में से, जो छोटे नबियों में से, पुराने नामे के 12 अंबिया में से छोटा नबी है। छोटा नबी क्योंकि उसकी कलाम मुक़दस में छोटे नबी उनको इसलिए नहीं कहा जाता कि वो छोटे हैं, बल्कि उनकी तहरीरें कलाम मुक़दस में मुख्तसर तौर पर लिखी गई हैं। सफ़निया नबी इसराइल कौम यरूशलम के कलीसिया को नगमाए तसल्ली से उनकी तसल्ली का वसीला बनता है और उनके लिए उम्मीद का पैगाम लेकर आता है, खुशी और शादमानी का पैगाम लेकर आता है। ए बेटी सिय्योन नगमा सराई कर, ए इसराइल तू ललकार, ए बेटी यरूशलम अपने सारे दिल से खुशी मना और शादमानी कर। सफ़निया नबी हमें एक और चीज़ से बावर करवाता है जो इस बात की भी अलामत जाहिर होती है कि पुराने नामे के जितने इंबिया क्राम, जितने दाना और हमारे पैगंबर हैं और नए अहदनामे के अंबिया कराम, ये सब का सब कमीशन उम्मीद का पैगाम और खुशी और शादमानी का पैगाम है। पुराने अहदनामे के अशाया नबी का जिक्र सुन लें, ज़िक्रिया नबी का जिक्र सुन लें, ये सारे उम्मीद, खुशी और शादमानी की। ए बेटी सिय्योन खुश हो, शादमान हो, तेरा खुदावंद तेरे दरमियान है, वो जल्द आता है और हमारी ज़िंदगियों को बहाल करता है। नए अहदनामे में हमारा नजात दिंदा खुदावंद यीशु मसीह, जो बाप के अलाही मिशन को लेकर चलता है और अपने मंशूर को हम पर अहिया करता है, मुकद्दस लुका की इंजील उसके चौथे बाब में पढ़ते हैं कि रूही खुदावंद मुझ पर है, उसने मुझे मसा किया कि मैं मस्कीनों को खुशखबरी की खबर दूँ। वो भी खुशखबरी का पैगाम लेकर आता और हमारी ज़िंदगियों को बहाल करता है। जबकि आज की इंजील मुकद्दस मुकद्दस लुका की अंजील में से जो अंजीली इकतवास पढ़ा गया, एक बार फिर यूहन्ना हम पर इसी खुशी को दुबाला करने, इसको अमली जामा पहनाने के लिए खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम की रोशनी में हमारी मदद और रहनमई करता है कि हमने इस खुशी को अपनी ज़िंदगी में किस तरह पुरमायनी बनाना है। यूहन्ना इस्तबागी जब हजूम से बात करता है, दो किस्म के ग्रोहों के साथ वो मुतारफ होता है, तारफ़ करवाता है दो किस्म के ग्रोह, एक वो जो आम सादा फहम लोग हैं जो हमेशा की ज़िंदगी पाने के लिए, हकीकी खुशी को पाने के लिए उसके हजूरी में आते, उसके पास आते हैं, उसकी मनादी उसके कलाम को सुनते हैं और उससे सवाल करते हैं कि हम क्या करें। उनकी सादगी, उनकी हलीमी को देखते हुए यूहन्ना उनसे नसीहत करता है कि जिस किसी के पास दो कुर्ते हों उसे बाँटे, जिसके पास ना हो और जिसके पास खाने की चीज़ें हैं वो भी दूसरों से बांटे। बांटना, रफाकत शाकत कायम करना, ये मसीह इकदार है और इसी में हमारी हकीकी और गहरी खुशी है। और दूसरा ग्रोह जो मजहबी रहनमा, यहूदियों के मजहबी रहनमा हैं जो रोमी हुकूमत के ताबे रहते हैं, उनमें से एक मोसल टैक्स कलेक्टर जो यहूदियों से टैक्स कलेक्ट करते थे, रोमी हुकूमत को अदा करते थे, और दूसरा ग्रोह जो है सिपाहियों का है जो रोमी हुकूमत के ताबे रहकर लोगों से पैसे बटोरते थे। इन दोनों के लिए यूहन्ना उनको भी यही पैगाम देता है, पहले ग्रोह को जो टैक्स कलेक्टर हैं, कि किसी के साथ ना हक किसी से ना लिया जाए, इंसाफ करें और जो हक का है वाजिबी है सिर्फ उसी को हासिल किया जाए। इसी के साथ साथ दूसरे सिपाहियों के लिए बड़े वाज़ेह बयान करता है, जब वो भी बयान करते हैं कि ऐ उस्ताद हम क्या करें, उनके लिए यूहन्ना उनको पैगाम देता है कि अपनी तनख्वाह पर गुजारा करो, किसी के साथ जुल्म ना करो, जो इस बात की भी अलामत है आम सादा फहम लोग, और दूसरा ग्रोह जो टैक्स कलेक्टर और यहूदी हैं, टैक्स कलेक्टर और सिपाही हैं, उनके लिए खुदा के अलाही हुक्म के मुताबिक हुक्म अजीम को उन पर अयां करता है, यानी कि अपने पड़ोसी को अपनी मानत प्यार करना, अपनी ज़िंदगी को दूसरों के साथ शेयर करना, खुदा की नेमतों बरकतों को दूसरों के साथ शेयर करना जो खुदा ने हमारी ज़िंदगी में मुख्तलिफ ज़रिए से हमें अता कर रखी हैं, उनके साथ शेयर करना जो इन नेमतों बरकतों से कासर हैं,
जो माशे से रद्द किए गए, ठुकराए गए, नाउमीद और मायूस लोग हैं, उनके लिए तसल्ली, तशफ़ी, खुशी और शादमानी का वसीला बनना। और इसी के साथ साथ अपने पड़ोसी को अपनी मानत प्यार करना कि जो हमारी जिम्मेदारियां हैं। यूहन्ना इस्तवागी ने मोहसल और टैक्स कलेक्टर जो हैं उनको मना नहीं किया, सिपाहियों को उनकी जिम्मेदारियों से मना नहीं किया, बल्कि उनमें इंसाफ, ईमानदारी, वफादारी का दर्स दिया है, जो अमन, सुलह, सलामती का पैगाम है। जो अपने पड़ोसी को अपनी मानत प्यार करता है, वो दूसरों के साथ मोहब्बत करता है, दूसरों को अपनी ज़िंदगी में कबूल करता और उनके साथ अपनी अपनी चीज़ों को बांटता है, इसी में खुदा की खुशी है। जबकि पौलुस रसूल का खत, फिलिपियों का नाम लिखे के खत में आज की जो दूसरी तलावत है, उसमें पौलुस रसूल बड़े वाज़ेह तौर पर हम सबको इस बात की दावत देता है कि जब हम खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते, खुदा की नेमतों को, बरकतों को दूसरों के साथ बांटते हैं, तो हमें इसमें खुश होना है। खुदावंद में हर वक्त खुश रहो, फिर कहता हूँ खुश रहो, क्योंकि तुम्हारी नरम दिली सब आदमियों पर जाहिर हो। खुदावंद नज़दीक है, मसीह खुदावंद की आमद नज़दीक है। हमारी नरम दिली, हमारी कबूलियत, हमारी मोहब्बत, हमारी रफाकत, हमारी शराकत हमें इस काबिल बनाती है कि हम मसीह की मोहब्बत को, खुशी को दूसरों के साथ बांटें। सेंट बर्नार्ड 12वीं सदी के सेंट अपने एक आवाज़ में मसीह खुदावंद की आमद के बारे में हम पर अयां करता है, जो तोबा, तब्दीली और खुदावंद की तरफ रजू लाने की मौसम है। खुदावंद की तरफ जब हम रजू लाते हैं, जब हम अपने निजात दिंदा को अपनी ज़िंदगी में पाते हैं, तो हम खुशी पाते हैं। जब वो मसीह खुदावंद की आमद का जिक्र करता है, तो बयान करता है कि मसीह खुदावंद की आमद तीन किस्म की है। पहली आमद जब बच्चा यसू कलमा मुतजस्सम हुआ और हमारे दरमियान सुकूनत पसीर करता है। दूसरी आमद जिसके लिए हम सब बुलाए गए, जिसके लिए हम सब अपने आप को तैयार करते हैं मसीह खुदावंद की आमद सानी के लिए, कि जब हमारा निजात दिंदा दोबारा आएगा और हमें अपने साथ ले जाएगा। तीसरी आमद, ये दोनों, पहली और दूसरी आमद ज़ाहरी हैं कि निजात दिंदा आया, हम इंसानों के दरमियान सुकूनत पसीर हुआ। दूसरी आमद के लिए हम अपने आप को तैयार करते हैं मसीह खुदावंद की आमद सानी के लिए। लेकिन सेंट बर्नार्ड बयान करते हैं कि तीसरी आमद जो इन दोनों के दरमियानी है, जो ज़ाहरी नहीं है, हियर एंड नो, अभी जब हम खुदा के कलमे को, कलाम को अपनी ज़िंदगी में कबूल कर लेते हैं, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं, दूसरों को खुशी, उम्मीद देना शुरू कर देते हैं, तो मसीह खुदावंद हमारी ज़िंदगी में आ जाता है, उसकी आमद हमारी ज़िंदगियों में आ जाती है। हम मसीह के एलजी, उसके ले पाले फर्जंद, उसके बेटे और बेटियाँ होते हुए अपने अमाल, अपने किरदार और अपनी बातों से उसकी रजा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते और उसके नाम की गवाही देते हैं, और यही खुशी हमारी ज़िंदगियों में दुबाला होती है। जिस तरह के हम सब जानते हैं, दुख बांटने से कम होता है, खुशी बांटने से दुगनी होती है। जब हम खुदा के कलमे को, खुदा के इस कलाम की खुशखबरी को दूसरों तक बांटते हैं, खुदा की मोहब्बत को, खुदा की नेमतों को दूसरों के साथ शेयर करते हैं, तो खुदा अपने अलाही फजल से हमारी खुशियों को, हमारी बरकात को, इन नेमतों को दुगना करता और हमें इस काबिल बनाता है कि हम अपनी ज़िंदगी से उसके नाम की गवाही देते हुए अमन, सुलह और सलामती के पैम्बर बनते रहें और उसके नाम की गवाही अपने अमाल, अपने किरदार और अपनी ज़िंदगी से देते रहें। खुदा हम सबको इन आमद के अयाम में इसी खुशी को बांटने और दूसरों के साथ खुदा की मोहब्बत को अयां करने, अमन, सुलह, सलामती का पैम्बर बनने की का फजल बख्शता रहे मसीह खुदा उनके वसीला से।